वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। ACCL अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, जहां पे ग्रेजुएट व टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस का लिस्ट ACCL ने जारी कर दिया है। जिस लिस्ट का माइनिंग डिग्री एवं डिप्लोमा होल्डर को बेसब्री से इंतजार था, वो लिस्ट अब आप ACCL के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके अपने नाम को चेक कर सकते हैं कि लिस्ट के अंदर आपका नाम है कि नहीं है। क्या इंपॉर्टेंस है इस ट्रेनिंग का, खासकर जब मैं बात करूं माइनिंग वालों के लिए, कि चाहे आप डिग्री होल्डर है या फिर डिप्लोमा होल्डर है, क्या इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम का, इस पर्टिकुलर एक साल के ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का, कि यदि आप माइनिंग डिग्री होल्डर है तो इस सर्टिफिकेट के बेसिस पे, एक साल के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। यदि आप डिप्लोमा होल्डर है तो इस एक साल के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको ओवरमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। कल को कोल इंडिया के किसी सब्सिडियरी के अंदर में जूनियर ओवरमैन या माइनिंग सरदार का वैकेंसी आता है तो आप उस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, उस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं यदि आपके पास DGMS कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है। DGMS कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होने से प्राइवेट माइंस के अंदर में भी जब आप जॉब अप्लाई करते हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाता है, आपको प्राथमिकता दी जाती है कि अगर आपके पास सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है या ओवरमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है तो आपका एक अलग वेटेज उस पर्टिकुलर इंटरव्यू में बन जाता है। बहुत संभावना है कि कल आप किसी प्राइवेट माइंस के अंदर में भी असिस्टेंट मैनेजर या ओवरमैन के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं या माइनिंग सरदार के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे जरूरी तौर पे आपसे कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट का डिमांड किया जाएगा। तो ऐसे में माइनिंग वालों के लिए इस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में इसी अप्रेंटिसशिप लिस्ट के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट है जिसका आपको रिपोर्टिंग के टाइम में रिक्वायरमेंट रहेगा, आपका रिपोर्टिंग डेट कब है और आप अपने इस ट्रेनिंग ड्यूरेशन को, एक साल का लंबा ड्यूरेशन जो आप कोल इंडिया को देने वाले हैं, ACCL को देने वाले हैं, उस टाइम को कैसे अपने सेल्फ डेवलपमेंट में यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने नॉलेज इन्हेंसमेंट में यूटिलाइज कर सकते हैं कि कल को जब माइनिंग सरदार ओवरमैन का वैकेंसी आएगा तो आप पूरी तरह से एग्जाम रेडी रहे, पहला जो भी वैकेंसी आए उसमें अपना एक सीट पक्का कर पाए, वो कैसे आप कर सकते हैं इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अप्रेंटिसेस 2024 का लिस्ट ACCL ने जारी कर दिया, जो कि आप इसका ऑफिशियल साइट से देख सकते हैं। इस लिस्ट के अंदर में अलग अलग ब्रांड के कैंडिडेट्स का नाम जारी किया गया है, जिसमें माइनिंग, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, माइनिंग डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा, मैकेनिकल डिप्लोमा, सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, इन सारे कैंडिडेट्स का नाम लिस्ट के अंदर में दिया गया है, जो कि आप ऑफिशियल साइट से चेक कर सकते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें कि रिपोर्टिंग के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको लेके जाना पड़ेगा, वेरीफाई करवाना पड़ेगा, तो वो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, नर्स रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, की जो आपने नर्स में रजिस्ट्रेशन करा था उसका आप प्रोफाइल डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, डिग्री या फिर डिप्लोमा का मार्कशीट, डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट, टेंथ का मार्कशीट या टेंथ का सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है, बर्थ सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ, बर्थ सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं, वैसे तो टेंथ के मार्कशीट से ही बर्थ का वेरिफिकेशन करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट कि अगर आप ST SC या OBC नॉन क्रिमिनल ईयर कैंडिडेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, और नोटराइज्ड एफिडेविट, एफिडेविट का फॉर्मेट साइट के अंदर में दे दिया गया है तो उस पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर में आपको एफिडेविट जमा करना जरूरी रहेगा, आधार लिंक्ड विद बैंक अकाउंट, आपका आधार कार्ड लेके जाना है जो कि बैंक अकाउंट से लिंक रहे, उसके अलावा आधार कार्ड, फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट कि अगर आप छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश के हैं तो वहां का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि हम रिपोर्टिंग डेट की बात करें तो माइनिंग डिग्री होल्डर जो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनी है वो 1 से लेकर 100 तक सीरियल नंबर वाले 1 जुलाई को रिपोर्ट करेंगे, 101 से 200 2 जुलाई को रिपोर्ट करेंगे, 201 से 241 3 जुलाई को रिपोर्ट करेंगे सुबह 9:30 पर। इसके अलावा यदि मैं डिप्लोमा कैंडिडेट्स की बात करूं कि अगर आप माइनिंग इंजीनियरिंग में या माइन सर्विंग में डिप्लोमा है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए अगर आपने अप्लाई करा है तो आप 4/7/2024 को यानी 4 जुलाई को रिपोर्ट करेंगे 0 से लेकर 60 तक सीरियल नंबर वाले, 61 से लेकर 160 तक वाले 5 जुलाई को, 161 से लेकर 260 वाले 8
जुलाई को इसी तरह से 9, 10, 11, 12 अलग अलग सीरियल नंबर के कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग डेट दिया गया है। इसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट भी है तो कुछ वेटिंग लिस्ट वाले भी हैं, तो हर किसी के लिए रिपोर्टिंग डेट आइडेंटिफाई कर दिया गया है। आप अपने सीरियल नंबर के मुताबिक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं जो आप साइट में चेक कर सकते हैं, जैसे एनेक्सर 10A और 10B, इनका रिपोर्टिंग डेट 18/7/2024 है, तो इनको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ 18/7/2024 के लिए वेरिफिकेशन के लिए जाना है। लिस्ट आप देख सकते हैं कि लिस्ट 1 के अंदर में जो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनी है, एनेक्सर 1 के अंदर में जो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनी है, जिसमें 241 कैंडिडेट का नाम है। और यदि हम बात करें टेक्नीशियन अप्रेंटिसिस की या फिर डिप्लोमा स्टूडेंट की, तो टोटल 602 कैंडिडेट्स का नाम लिस्ट के अंदर में दिया गया है, जिनको उसके सीरियल नंबर के सामने दिखाए गए डेट को रिपोर्ट करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एचआरडी में, एसएससीएल एचआरडी में। तो ये तो हुई बात एसीसीएल द्वारा जारी गए अप्रेंटिसशिप ट्रेनी लिस्ट का। अभी हम बात करते हैं ये जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन है, जो कि आपकी जिंदगी का, आपके लाइफ का बहुत ही महत्वपूर्ण पल होता है, कि जब आप पास आउट होते, पास आउट होने के बाद एक साल आप एसीसीएल या कोल इंडिया के नाम करने वाले उसको देने वाले। नो डाउट थोड़ा बहुत जो भी अर्निंग होगा, लेकिन वो अर्निंग आपका फाइनल अर्निंग नहीं है, एक साल के लिए एक स्टाइपेंड है जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलता है। असल चीज जो आप कर सकते हैं उस एक साल के ड्यूरेशन को अपने नॉलेज इन्हेंसमेंट के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, कि जो कुछ भी आपने कोर्स वर्क में पढ़ा है उसको आप सामने से देख सकते हैं, चीजों को सीख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप फील्ड के साथ साथ बुक को भी अपने हाथ में रखेंगे तो आपको चीजों की जानकारी बहुत अच्छे से हो पाएगी। जो समझदारी आप इस ट्रेनिंग के दौरान में डेवलप कर सकते हैं वो लाइफ टाइम आप नहीं कर सकते। यहाँ पे आप एज अ ट्रेनी जाते हैं तो आपको कोई भी चीज पूछने में ना कोई शर्माना चाहिए, ना कोई आपको एक गलत नजर से देखेगा। आप ऐसे असिस्टेंट मैनेजर या माइनिंग सरदार जाकर के आप छोटी छोटी जानकारी जब लेना चाहेंगे तो आपको पूछने में भी अजीब लगेगा और सामने वाला जो बता रहा है उसको भी लगेगा क्या पढ़ के तुम आए हो। लेकिन यहाँ पे आप एज ए ट्रेनी जा रहे हो तो जितना ज्यादा हो सके आप अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए अपने नॉलेज के इन्हेंसमेंट में। एक और जो बड़ा काम है जो आप कर सकते हैं कि आप अभी से फ्यूचर जॉब रेडी बन सकते हैं अपने पढ़ाई पे प्रॉपरली ध्यान देकर के, कि जो भी माइनिंग सर्वर ओवरऑल एग्जाम का सिलेबस होता है, कि जो कुछ भी माइनिंग सर्वर ओवरऑल एग्जाम के अंदर पूछा जाता है वो सबको आप अभी से पढ़ने लग जाइए। एक साल का जो समय है उसको आप पढ़ाई में अच्छे से लगा लीजिए, कि ट्रेनिंग के बाद का जो समय है उसको घर में रह करके अच्छे से पढ़िए, कि जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो आप इतना कैपेबल बन जाए कि जो भी पहला वैकेंसी आए उसे आप क्रैप कर सके। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं माइनिंग सरदार ओवरमैन एग्जाम का, जिसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे एक साल के ट्रेनिंग के बाद, तो उसके लिए आप माइनिंग ज्ञान को भी चूज कर सकते हैं, माइनिंग ज्ञान के कोर्स को भी चूज कर सकते हैं, जहां पे आपको हमारे कोर्स के अंदर में इंडिया के टॉप क्लास फैकल्टी मेंबर जो कि फर्स्ट क्लास कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होल्डर है वो आपके क्लासेस को कंडक्ट कर रहे हैं। कई सारी चीजें जो रिकॉर्डिंग्स में अवेलेबल है और लाइव क्लासेस भी डेली का कंडक्ट किया जा रहा है, जहां पे आप उस लाइव क्लास का फायदा उठा के, उन रिकॉर्डिंग्स का फायदा उठा करके अपने तैयारी को एक प्रॉपर डायरेक्शन दे सकते हैं, जहां पे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, हर चीज जो एक कैंडिडेट को अपने प्रिपरेशन के लिए चाहिए होता है सब कुछ हमारे कोर्स के अंदर मिलेगा। उस कोर्स की एक झलक आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्या कुछ है जो आपको कोर्स के अंदर मिलेगा, और उन कोर्स के अंदर मिलने वाले कंटेंट को कैसे आप बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, चलिए इस बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। माइनिंग ज्ञान जो कि इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है सारे माइनिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, हमने माइनिंग ज्ञान को दो अलग अलग ऐप में डिवाइड कर दिया है। एक है माइनिंग ज्ञान जिसके अंदर में गेट माइनिंग इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, और दूसरा है माइनिंग ज्ञान 2.0 जिसमें गेट के अलावा जो भी कोर्स है सब कुछ 2.0 के अंदर में अवेलेबल है। तो आपका माइनिंग सरदार ओवरमैन का फाउंडेशन कोर्स भी माइनिंग ज्ञान 2.0 ऐप के अंदर में अवेलेबल है, जिसके डाउनलोड का लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डायरेक्टली कोर्स को भी डिस्क्रिप्शन में दे लिंक पर जाकर के परचेस कर सकते हैं। तो जब आप ऐप के अंदर में जाएंगे तो आपको दिखेगा माइनिंग सरदार ओवरमैन फाउंडेशन कोर्स। इस कोर्स के अंदर में आपको हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी द्वारा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लाइव क्लासेस के माध्यम से आपके कोर्स को कवर करके दिया जाता है, आपके सिलेबस को कवर करके दिया जाता है। लाइव क्लासेस के अलावा आपको हमारे पुराने क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाते हैं। रिकॉर्डिंग्स मिलने से फायदा क्या हो जाता है कि यदि आप लेट सपोज
कोल माइन रेगुलेशन 2017 पढ़ना चाहते हैं, तो कोल माइन रेगुलेशन 2017 पढ़ने के लिए आपके पास मल्टीपल फैकल्टीज के वीडियो लेक्चर के ऑप्शन रहते हैं कि अगर आपको लगता है कि हाँ मुजफ्फर सर अच्छा पढ़ा है तो उनसे पढ़ सकते हैं, देवेंद्र सर अच्छा पढ़ा रहे तो उनसे पढ़ सकते हैं, आपको ऑप्शन मिल जाते हैं रिकॉर्डिंग्स के माध्यम से। इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं कि जब आप कंटेंट सेक्शन में जाएंगे, माइनिंग सरदार ओवरमैन फाउंडेशन कोर्स के, तो वहां पर आपको दिखेगा वीडियो लेक्चर्स के अंदर में आपके माइन लेजिस्लेशन वाला पोर्शन, माइन मेथड वाला पोर्शन, मशीनरी वाला पोर्शन, ऐसे टोटल 21-22 टॉपिक जो आपके सिलेबस के अंदर में रहते हैं उन सारे टॉपिक को कवर करके दिया गया है। यदि आप पुराने साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे किसी भी सब्सिडरी का, तो आजकल एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी के भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो डीजे देशमुख के तीनों वॉल्यूम का वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाएगा। आप पीवाईक्यू उसके वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं कि जो अलग अलग सब्सिडरी के अंदर में एग्जाम हुए हैं, आप देखेंगे कि 50-60% क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो प्रीवियस एग्जाम से डायरेक्टली रिपीट हो जाते हैं। तो ऐसे में जो प्रीवियस एग्जाम जो भी माइनिंग सरदार या जो जूनियर ओवरमैन के हुए हैं उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको इस कोर्स के अंदर में मिल जाएगा। मॉक टेस्ट डेली फुल लेंथ और स्पेशल MSOM मॉक टेस्ट, ये आपको मॉक टेस्ट का भी सेट मिल जाएगा। पीवाईक्यू जो अलग अलग सब्सिडरी के जो एग्जाम हुए हैं उन पीवाईक्यूज को भी हम एज ए मॉक टेस्ट कोर्स के अंदर में अपलोड कर दिए हैं कि उसे भी आप अटेम्प्ट करके अपने मार्क्स को चेक कर सकते हैं जब आपका प्रिपरेशन का लेवल खत्म हो जाएगा, जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। आगे आप देख सकते हैं मॉक टेस्ट डिस्कशन की, जो मॉक टेस्ट हम अपलोड करते हैं जैसे वीकली मॉक टेस्ट जो अपलोड होता है उस मॉक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलता है, बाकी सारे मॉक टेस्ट का भी वीडियो सॉल्यूशन आपको इस कोर्स के अंदर में मिलता है। एमसीक्यूज के कई सारे वीडियो मिलते हैं कि आपको हम सिलेबस को तो डिटेल में कवर करके दे ही रहे हैं, इन पर्टिकुलर सिलेबस या टॉपिक से बनने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी हम अलग से बना के आपको दे देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिस पर्टिकुलर टॉपिक से बनते हैं, तो वो भी आपको एज ए वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा कि एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन बैंक पीडीएफ का फॉर्म आपको मिल जाएगा। माइन एक्ट माइन रूल जो भी आपके लेजिस्लेशन वाला पोर्शन है उसके भी क्वेश्चन आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा कि जिसे आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से खुद चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। इसको मैं आपको थोड़ा और इन डेप्थ जाके बताता हूं कि क्या कुछ है जो इसमें आपको दिखेगा मिलेगा। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया लेजिस्लेशन वाला जो पोर्शन था, माइंड लेजिस्लेशन वाला पोर्शन था, उसमें लेजिस्लेशन के सारे बुक को कवर करा गया है। कोल माइन रेगुलेशन, माइन रूल, माइन एक्ट, माइन क्रैच रूल, डीजीएमएस सर्कुलर, माइन रेस्क्यू रूल, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रूल, एमवीटीआर, एमएमडीआर, एमसीडीआर, ये जो लेजिस्लेशन के अलग अलग टॉपिक है सब कुछ आपको हमारे कोर्स के अंदर में कवर करके दिया गया है। यदि मैं अलग से इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जाऊं कि अगर आप सीएमआर का भी अगर अंदर में जाकर के देखना चाहे तो आप देख सकते हैं कि सीएमआर का देवेंद्र सर ने जो क्लास लिया वो भी आपको मिलता है, मुजफ्फर सर ने जो क्लास लिया वो भी आपको मिलता है। जब आप देवेंद्र सर वाले फोल्डर के अंदर में भी जाएंगे ना तो आपको सीएमआर डिटेल में कवर हुआ मिलेगा, शॉर्ट में कवर हुआ मिलेगा। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो पीडीएफ जो है उसको हमने हिंदी में कन्वर्ट करके आपके लिए जो पीडीएफ है वो हिंदी में अवेलेबल करवाया है। सीएमआर पर बेस्ड क्वेश्चन बैंक आपको इस कोर्स के अंदर मिलता है। फिर हिंदी में जो पीडीएफ है उसको इंग्लिश में भी अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला है तो इंग्लिश में भी पढ़ सकता है। तो ये सुविधा है जो पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर में अलग अलग जो सीएमआर का फोल्डर आपने देखा ये सारी चीजें आपको मिलती है। ऐसा ही बाकी सारे सब्जेक्ट में भी कि अब जब माइन रूल में जाएंगे तो माइन रूल जो देवेंद्र सर ने पढ़ाया, माइन रूल जो सिद्धार्थ सर ने पढ़ाया और उसके हिंदी में पीडीएफ, सेम माइन एक्ट के साथ है कि गोविंदा सर ने जो पढ़ाया, देवेंद्र सर ने जो पढ़ाया वो अलग अलग आपको मिल जाएंगे। माइन क्रैच रूल, डीजीएमएस सर्कुलर, हर एक में अगर कोई भी फैकल्टी जिन्होंने मल्टीपल अटेम्प्ट करे अलग अलग तरीके से जो पढ़ाए हैं सब कुछ आपको इस कोर्स के अंदर मिलता है जो आप अपने सुविधा के हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। भाई आप ट्रेनिंग में जब जाएंगे ना तो ये कोर्स आपका बड़ा काम आने वाला है कि अगर आप कैंटीन में बैठे हैं कहीं पर टाइम पास कर रहे हैं, माइंस के अंदर में अगर आपको मौका मिल रहा है ऐसा जहां पे आपको ऐसा कुछ काम दे दिया गया है कि आपको मोबाइल अलाउड है, मोबाइल आपके हाथ में है, तो ये पर्टिकुलर कोर्स में अवेलेबल वीडियो लेक्चर्स जिसे आप डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं एनी टाइम आपके हाथ में अवेलेबल रहेगा। एनी टाइम आप बुक तो लेके नहीं जा सकते माइंस में, इन अलग अलग टॉपिक के लिए कितना बुक आप लेके जाएंगे, लेकिन एक कोर्स के अंदर में आपको हर टॉपिक जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं सब कुछ आपके कोर्स के अंदर मिल जाता है, आपके हाथ में अवेलेबल रहता है। मोबाइल सिर्फ व्हाट्सएप चलाने, फेसबुक चलाने या फिर फोन में बात करने के लिए नहीं होता है। अगर आप उसको एज ए हथियार यूटिलाइज करने लग जाए आपके नॉलेज इन्हेंसमेंट में, आपके पढ़ाई में, तो ये कोर्स आपके लिए बड़ा मददगार साबित हो सकता है कि इसमें अवेलेबल वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ,
स्टडी मटेरियल इन सबको आप डाउनलोड करके अपने सुविधा के हिसाब से कि अगर आपके माइक में नेटवर्क नहीं भी है तब भी आप देख सकते हैं। आगे मैं आपको और दिखाना चाहूंगा कि माइंड लेजिस्लेशन को तो आपने देख लिया, उसी तरह से जो अलग अलग टॉपिक है जो जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं कि जैसे मेथड ऑफ वर्किंग है, माइंड मशीनरी है, वेंटिलेशन है, माइंड एनवायरमेंट, जियोलॉजी, रॉक मैकेनिज्म, ग्राउंड कंट्रोल, माइनिंग टेक्नोलॉजी के अंदर में भी शाफ्ट सिंकिंग, ड्रिलिंग, एक्सप्लोजिव और भी कई सारी चीजें हैं। फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बहुत आसान आसान से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पाउडर फैक्टर पर बेस्ड, आरक्यूडी पर बेस्ड आपके एग्जाम में आजकल आने लगे हैं। तो उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी, बहुत ज्यादा नहीं है, 10-12 लेक्चर्स होंगे कि जो इजी से न्यूमेरिकल्स है जो आपके डिप्लोमा लेवल एग्जाम में पूछा जा सकता है वो भी आपको इसके अंदर में कवर करके दिया गया है। आप देख सकते हैं कि मेथड ऑफ एग्जामिनेशन रूप वर्किंग एंड रोडवेज जो आपके सिलेबस में डायरेक्ट टॉपिक दिया रहता है उस टॉपिक को भी हम अलग अलग से कवर करके दे रहे हैं। कि रिपोर्ट राइटिंग आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर में रिपोर्ट राइटिंग से 10-12 क्वेश्चन एक बार दे रहा है, तो उस रिपोर्ट राइटिंग के वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल और एमसीक्यू कि किस किस तरह के क्वेश्चन रिपोर्ट राइटिंग से बन सकता है आपको कवर करके इस कोर्स के अंदर में दिया गया है। सपोर्ट और उसका विड्रॉल, नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस एग्जाम में आजकल इससे भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। फिर माइन पंप एग्जामिनेशन ऑफ सम, मार्चिंग ऑफ HEMM, एक्सीडेंट रिपोर्ट राइटिंग एंड इंक्वायरी, लैंड रिक्लेमेशन, फिर ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, CIL अवेयरनेस, सैल्वेजिंग ऑफ लॉन्ग वॉल इक्विपमेंट, एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर्स नियर वाटर बॉडीज एंड अनकंसोलिडेटेड MAS। तो ये सारे टॉपिक है जो आपके डिप्लोमा लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई टॉपिक हो सकता है कि एग्जाम में ना भी आता हो, वो भी शामिल कर दिया गया है कि अगर इस कोर्स को आप ज्वाइन कर लेते हैं ना तो कई सारे बच्चे जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में भी होंगे डिप्लोमा के, उनके लिए भी रिलेवेंट है। इसमें से कई सारे टॉपिक जो आपके डायरेक्ट सेमेस्टर एग्जाम में काम आने वाले हैं। अगर आप माइनिंग इंस्पेक्टर एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वहां के लिए भी रिलेवेंट है कि वहां के लिए भी आप इस कंटेंट को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये तो वह टेक्निकल पोर्शन का, इसी तरह से नॉन टेक्निकल पोर्शन में भी जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं उस नॉन टेक्निकल पोर्शन को भी हमने डिटेल में कवर करके दिया है इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर में। ये हो गया वीडियो लेक्चर्स की बात। आप देख सकते हैं इसके अलावा मॉक टेस्ट में डेली मॉक टेस्ट, MSOM, MCQ सेट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट। इसमें भी आप देखिए कि डेली मॉक टेस्ट में आप देखेंगे करीब करीब आपको 43 के आसपास डेली मॉक टेस्ट जहां पे 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऐसे आपको मिल जाएंगे। फिर MCQ सेट की MSOM के MCQs का सेट हमने दिया जहां पे 100 क्वेश्चन का जो सेट रहता है, 50 क्वेश्चन का जो सेट रहता है, ऐसे करके बल्क में क्वेश्चन यहां पे हमने दे रखा है। फिर आप देख सकते हैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट, अगर आप चाह रहे हैं कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पे 100 क्वेश्चंस रहे, जैसा कि आपके एग्जाम में आता है किस एग्जाम में 70 प्लस 30 कि 70 टेक्निकल के 30 नॉन टेक्निकल के, तो किसी एग्जाम में 80 प्लस 20 80 टेक्निकल के 20 नॉन टेक्निकल के, तो आपके एग्जाम के हिसाब से एग्जाम के पैटर्न में हमने फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी रेडी करा है जिसमें कुछ वीकली मॉक टेस्ट है, फिर सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट है और फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। तो इस तरह से आप देख सक रहे हैं कि क्वेश्चंस मॉक टेस्ट भी आपको इस कोर्स के अंदर मिलता है। सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट जो हम मैं बता रहा हूँ अलग से, उसमें आप देख सकते हैं कि जो आपके टॉपिक मैंने पीछे दिखाए जो 22 23 24 जो भी टॉपिक थे टॉपिक पर बेस्ड भी हमने अलग अलग मॉक टेस्ट बनाया है कि आप CMR की चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप सपोर्ट एंड विड्रॉल के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, माइंड ब्लास्टिंग के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, और भी जो टॉपिक है माइनिंग मेथड, माइंड मशीनरी, वेंटिलेशन, एनवायरमेंट, उन सबके भी मॉक टेस्ट अलग अलग आपको सेक्शन वाइज जो टॉपिक है उनके भी मॉक टेस्ट आपको इस कोर्स के अंदर में मिल जाएंगे। मतलब मैं आपको बता दूं कि एक फुल पैकेज है जो कि आप अपने नॉलेज एनहेंसमेंट में यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने इस ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में अपने आप को जॉब रेडी बनाने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। एक तो जॉब रेडी बनाना हुआ भाई साहब, दूसरा कॉन्फिडेंस गेनिंग का काम हुआ कि अगर आप ट्रेनिंग में जाएंगे रेगुलेशन के लेक्चर्स आपने देख रखे कि जो 30-35 घंटे के टोटल लेक्चर्स होंगे सबको कंप्लीट करने के लिए, कि आप उस 30-35 घंटे के लेक्चर्स को देख लिए, पूरा ध्यान से पढ़ लिए, और जब आप साइट में जाएंगे ना तो आपका जो नॉलेज का लेवल रहेगा कि जब आप ओवरमैन से बात करेंगे, असिस्टेंट मैनेजर से बात करेंगे, शॉर्ट फायर से बात करेंगे, वहां पे काम करने वाले वर्कर्स से बात करेंगे, तो एक अलग ही छवि आपका रिफ्लेक्ट होगा जब आप नॉलेज के साथ में माइंड के अंदर में उतरेंगे। तो ये एक मौका है जहां पे आप अपना कॉन्फिडेंस भी गेन कर सकते हैं कि जिस भी प्रकार का आपका छवि कॉलेज टाइम में रहा होगा उस छवि को सुधार सकते हैं इस एक साल के अंदर में, और उस छवि को सुधारने के लिए आपके नॉलेज गेन में मदद करने के लिए पूरा माइनिंग ज्ञान का टीम आपका स्वागत करता है। माइनिंग ज्ञान का टीम आपको असिस्ट करने के लिए एनी टाइम रेडी है। जहां पे ये कोर्स और इस कोर्स के साथ मिलने वाले सारे फीचर्स तो आपको मिलेंगे ही, इसके साथ साथ हम आपको माइंड लेजिस्लेशन का बुक भी कोरियर के माध्यम से भेजेंगे जिससे आप पढ़ाई कर सकते हैं, जिसमें आपका लेजिस्लेशन पोर्शन पूरी तरह से
कवर करके दिया गया है पुराने क्वेश्चन पेपर के साथ। साथ ही साथ आपको एक ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा कि कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आप पटकते हैं, कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, तो आप उस ग्रुप के अंदर में डाउट रेज कर सकते हैं, अपने फैकल्टी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। माइनिंग ज्ञान हमेशा से ही माइनिंग वालों के बेहतरी के लिए काम करते आया है और आगे भी करता रहेगा। आपका सपोर्ट, साथ, विश्वास और प्यार हमेशा से माइनिंग ज्ञान के साथ रहा है और आशा करता हूं आप आगे भी हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे। अगर आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं और अपने शंका का समाधान कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।